आज हम बनाएंगे एक बंगाली डिश पब्दा फिश करी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक प्लेट में मैंने यहाँ पब्दा फिश ले लिया है। अब मछली के ऊपर डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक और हल्दी पाउडर। मछली को नमक और हल्दी पाउडर के साथ बहुत अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे से हम गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम मैरिनेट किया हुआ मछली को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई करते वक्त हमें याद रखना पड़ेगा गैस के फ्लेम हाई होना चाहिए, वरना मछली टूट सकता है। तो इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, 2 मिनट तक एक साइड फ्राई करेंगे और उसके बाद हम मछली को पलट देंगे। पलटने के बाद भी हम दूसरी साइड 2 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा पब्दा फिश फ्राई हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी तेल में डालेंगे कलौंजी। कलौंजी फ्राई होने के बाद हम डालेंगे चॉप्ड किया हुआ प्याज। प्याज को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम कढ़ाई में डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारा मसाला को प्याज के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट। मसालों को बहुत अच्छे से हम प्याज के साथ मिला लेंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब कढ़ाई में डालेंगे पानी। मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है, आप चाहे तो ठंडा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी लेने से हमारा जो करी का टेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा गर्म पानी डालने के लिए। अब करी में उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। कढ़ाई में डालेंगे फ्राई किया हुआ मछली। मछली को 2 मिनट पकाना है, फिर इसको पलट देना है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से मछली को पलट दिया है और हमारा ग्रेवी भी बहुत पहले से ठीक हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 हरा मिर्च और कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा गैस की फ्लेम लो होना चाहिए, वरना हमारा जो ग्रेवी है वो जल सकता है। 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई के ढक्कन खोलेंगे। देखिए हमारा पब्दा फिश करी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसी रेसिपी को गरम चावल के साथ सर्व कीजिए।